औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, मैं हूँ मदर हुसैन भट्टी फ्रॉम बहावलपुर। दोस्तों, आज हम आप लोगों को ये चीज़ बताएंगे कि जो जितने भी लोग हैं जो कि अरबोंपति या खरबोंपति हैं और हुए भी रियल स्टेट से हैं, तो वो कैसे जो है ना अरबोंपति हुए हैं, क्योंकि उन्होंने सही वक्त का इंतज़ार किया है। तो आज हम आप लोगों को यही चीज़ बताएंगे कि सही वक्त वो कौन सा होता है जब हमें रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। दोस्तों, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट का जो सही वक्त होता है या टाइम होता है, वो स्टार्टिंग पॉइंट होता है। यानी जब भी कोई प्रोजेक्ट लॉन्च होने वाला होता है, अभी तक लॉन्च नहीं हुआ होता, आप लोगों को पता चल गया, आपके डीलर को पता चल गया, जो कि अच्छा डीलर होता है, उसको पता होता है कि कब कौन सा कोई प्रोजेक्ट लॉन्च होने वाला है, उसको पता चल जाता है और वो उस पर नज़र रखता है। आपको वो डीलर आके बताएगा, या आप खुद एक अच्छे इन्वेस्टर हैं और आपको भी पता है, आप मार्केट पे नज़र रखते हैं और आपको पता चला है कि कोई पॉइंट ऐसा है जो कि लॉन्च होने वाला है, तो आप वहाँ पे जाके इन्वेस्टमेंट कर लें। वो जैसे ही लॉन्च होगा, यानी कि उसकी आपने जब उसमें इन्वेस्टमेंट करनी है, वो प्री बुकिंग होगी। आपने प्री बुकिंग पे सस्ते दामों कोई भी चीज़ ख़रीद लेनी है, क्योंकि उस वक्त डेवलपर को पैसों की ज़रूरत होती है और वो आपको सस्ते दामों चीज़ें दे रहा होता है। लेकिन जैसे ही वो लॉन्च करता है, वो उसकी मार्केटिंग स्टार्ट करता है, आप भी उस मार्केटिंग के साथ अपनी चीज़ को बेचना शुरू करते हैं, क्योंकि आपने प्री बुकिंग में सस्ती चीज़ खरीदी होती है और आप वहाँ पे जाके थोड़ी महंगी करके बेच रहे होते हैं, और इस तरह आप एक प्रॉफिट कमा रहे होते हैं और थोड़े ही दिनों में, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने में आप अपनी चीज़ निकाल के परे हो जाते हैं, यानी आप चले जाते हैं। इस तरीके से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि बाकी डेवलपर वो प्रोजेक्ट डेवलप करे ना करे, वो फ्लॉप हो जाए, वो किसी गवर्नमेंट की जगह पे थी या किसी ख़राब जगह पे थी या रोले वाली जगह पे थी, आपको इससे कोई गर्द नहीं, आप अपना प्रॉफिट लेकर निकल चुके हैं। और ये होता है सही बात किसी भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने का। हाँ, लेकिन आप चाहते हैं कि मैं लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, तो फिर इसी तरह के प्री बुकिंग पे आपको इन्वेस्टमेंट करनी है। लेकिन उसमें आपने ये चीज़ देख लेनी है कि जो जिस प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उसका डेवलपर किस तरह है, उसके हिसाब का प्रोजेक्ट देख लेनी है। अगर वो अच्छा है और उसकी रेपुटेशन अच्छी है, मार्केट में वो अच्छा काम कर रहा है, तो फिर आप उसके प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करें और लॉन्ग टाइम के लिए भूल जाएं। ये थी आज की जो हमारी इन्फॉर्मेशन जो हम आपने आप लोगों तक पहुँचाई है। लेकिन इसके साथ साथ मैं आप लोगों को एक मिसाल भी दे दूँ जाते जाते। ये तस्वीर जो है मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ये इस्लामाबाद के एक बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल है, जिसके नाम से आप बखूबी वाकिफ़ होंगे। अगर नहीं है तो फिर इसी आप वाकफियत हासिल करें। ये जब लॉन्च हो रहा था 2011 में, जब बन रहा था, ये जो तस्वीर आपको नज़र आ रही है, ये 2011 की, और इस वक्त इसके फ्लैट की जो कीमत थी वो 8 लाख से 10 लाख रुपये थी। लेकिन आज इसकी जो कीमत है वो 8 से 10 करोड़ है, यानी कि हर साल की बनिस्बत 1 करोड़ बढ़ रहा है। यानी इतनी प्रॉपर्टी बढ़ती है, किसी अच्छे प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने का मतलब ये है कि हर साल 1 करोड़, यानी 1 लाख पे 1 करोड़। तो इसलिए किसी अच्छे प्रोजेक्ट, अच्छे डेवलपर के प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करें और प्री बुकिंग पे ही आप उसमें इन्वेस्टमेंट करें और खरबों पति हो जाएं। शुक्रिया। अस्सलामुअलैकुम।